केरल के कोझिकोड में बीजेपी का महामंथन बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की 3 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन आज है। यूपी उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों की पेश की जा सकती है रिपोर्ट। इस बीच जानकारी है कि यह रिपोर्ट पेश की जा रही है, प्रदेशों के प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष राज्यों की रिपोर्ट दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को दी जा रही है राज्यों की रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में शामिल होंगे। कोझिकोड में पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे दोपहर 3 बजे के आसपास। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली जनसभा है और इस बात की पूरी उम्मीद है कि आज पाकिस्तान को लेकर एक कड़ा बड़ा बयान दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थनाथ सिंह जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सिद्धार्थ जी, उड़ी में जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जब अटैक किया उसके बाद प्रधानमंत्री पहली बार एक सार्वजनिक सभा में बोलने जा रहे हैं। सबकी उम्मीदें इस बात पर टिकी हुई है कि पाकिस्तान को कोई सख्त संदेश प्रधानमंत्री दे। आप लगता है कि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे यहां से, क्या वो बोलने वाले हैं? उरी की जो घटना है वो एक ज्वलंत मुद्दा है, देश का हर नागरिक उससे जुड़ा हुआ है, उससे भावुक है, उसको गुस्सा है, तो हमें इंतजार करना चाहिए प्रधानमंत्री जी के भाषण का। ये राष्ट्रीय परिषद की जो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, अगले 6 महीने में 5 राज्यों के चुनाव है जिसमें देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी है, जहां से आप भी आते हैं, उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी यहां से निकलकर सामने आ सकती है कि 14 साल का वनवास जो आप लोगों का हो गया वहां पे वो खत्म हो? देखिए, पहले तो समझना पड़ेगा राष्ट्रीय परिषद में चुनाव की चर्चा नहीं होती, वो राष्ट्रीय कार्य समिति में होती है, तो दोनों में अंतर है। ये राष्ट्रीय परिषद है इसलिए राज्यों के चुनाव की चर्चा इस पे नहीं होगी। उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि वहां पर विकास हो और इन दोनों चीजों के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और दूसरी तरफ एक खड़े हुए हैं जो कि गुंडागर्दी जंगल राज है समाजवादी पार्टी और उसकी पार्टी डिवाइडेड हो चुकी है और दूसरी तरफ है मायावती जो भ्रष्टाचार की चिन्ह बन चुकी है। राहुल गांधी भी यात्राएं कर रहे हैं वहां, उनके जो खाट पे लेटे हुए हैं वो खाट की चिंता करें और वो खाट उनकी या तो चोरी हो जाती है या टूट जाती है। अब जिसको खाट से उठने की नहीं आदत हो तो उसके बारे में क्या हम चिंता करें। रेल में यहाँ चर्चा नहीं होती लेकिन उत्तर प्रदेश में दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को जीत हासिल होगी। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती और कांग्रेस के राहुल गांधी, इन तमाम लोगों पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। केरल के कोझिकोड से कैमरा पर्सन हरीश के साथ संतोष पाठक, समाचार प्लस के लिए। आइए सीधे रुक करते केरल के कोझिकोड का। संतोष पाठक मेरे साथ वहां से लाए हुए। संतोष पाठक, 3 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है, आप कोझिकोड में मौजूद है, महामंथन का दौर जारी है। जानकारी ये मिल रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो सकता है। उरी के आतंकवादी हमले के बाद ये मौका बेहद मुफीद है जब जनसभा को संबोधित करेंगे और पाकिस्तान को 2-2 करारा जवाब मिल सकता है। देखिए बिल्कुल निधि, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं पहले आपको कार्यक्रम की जानकारी दे दूं कि जहां मैं खड़ा हूं होटल रवीज, उसके ठीक पीछे अभी राज्यों की रिपोर्टिंग चल रही है। तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और जो महा जो प्रभारी हैं वो एक एक करके अपने राज्यों की रिपोर्ट दे रहे हैं। 3 बजे रैली का समय रखा गया है कालीकट बीच पर, समुद्र के किनारे, अरब महासागर के किनारे। 3 बजे वहां लोगों का जुटना शुरू हो जाएगा और प्रधानमंत्री हालांकि 4:15 बजे के आसपास लैंड करेंगे और संभावना ये जताई जा रही है कि शायद 5-5:30 बजे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण होगा। तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का उनका भाषण होगा। निश्चित तौर पर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि उड़ी आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद ये पहला सार्वजनिक संबोधन होगा और वो भी एक रैली में जब सामने 1 लाख से ज्यादा की भीड़ खड़ी हो, तो निश्चित तौर पर सबकी निगाहें उस उनकी तरफ टिकी हुई है। हालांकि इस बारे में कोई भी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं, बीजेपी का कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता कम से कम कैमरे पर ये बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है जैसा कि सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे थे कि इंतजार करना पड़ेगा, तो हमें भी शायद 5:30 बजे तक का इंतजार करना होगा जब प्रधानमंत्री भाषण देने के लिए खड़े होंगे रैली में, तो वो उड़ी आतंकी हमले को लेकर क्या बोलेंगे। बिल्कुल संतोष पाठक, आपसे आगे भी संपर्क करेंगे। फिलहाल तमाम इनपुट्स आप देने थे उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।